What time it is? Disco time. I got. तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका एक बेहतरीन से गेम प्ले वीडियो में। तो आज मैं फिलहाल मैच से शुरू इसलिए कर रहा हूँ शुरुआत से क्योंकि एक लॉबी में बंदा मेरे को ओपनली चैलेंज देता है स्टेडियम आने के लिए और फिलहाल वो मेरे से पहले उतर चुका है। छे! धिक्कार है हम पर। अब उस बंदे को मैं देख चुका था कि वो स्टेडियम पे सो गया है और वो उसको नीचे नहीं उतरने के लिए और उसको डराने के लिए मैंने ऐसे ही फायर करता हूँ। अब मेरे को लग रहा था कि मैंने उसके लिए फायर कर दी तो वो बंदा नीचे नहीं आएगा और मैं जब तक ये लूट कर लूँगा और उसका साथ आराम से ट्रोल करके उसके साथ गेम प्ले बनाएंगे। लेकिन होता कुछ उल्टा है, वो बंदा उतर चुका था, मेरे को पता नहीं था, मैं उधर गन लूट रहा था तब तक वो बंदा नीचे उतर के अपनी लूट कम्प्लीट कर चुका था। अब फिलहाल मैं नीचे आ चुका था और यहाँ से थोड़ी बहुत लूट वूट करके पता नहीं यहाँ पे क्या होता है कि मेरा एम सेट मेरी अंगुलियां अपने आप काम करना ही बंद कर देती है। मैं पहले तो इस बंदे से टीम अप करने के लिए इस पे फायर नहीं करता हूँ लेकिन जब ये रुकता नहीं है तो मैं इसको मारना पड़ता है और लास्ट में जब मेरी गेम एम ओ पूरी हो जाती है और रिलोड में बहुत टाइम लग जाता है, जब तक उसकी रिलोड हो चुकी थी इसलिए मैंने उसको पेन से मार दिया। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अब यहाँ इस बंदे ने फ्लेयर तो बुला दी थी लेकिन ये ज़्यादा हेडबोन के खेल रहा था इसलिए इसको पता नहीं चल रहा था कि मैं मार किधर से रहा हूँ। लेकिन जब तक ये समझ पाता था फिलहाल यहाँ से मैं गड्डी उठा के यहाँ से जा रहा होता हूँ कि एक मेरे को बोट मिलता है। अरे भाई, जिस तरीके से मैं यहाँ पे बचा हूँ ना, मेरी धड़कने आप महसूस कर सकते हो। यहाँ से जैसे मेरे को समझने का मौका ही नहीं दिया उस बंदे ने कि वो मार किधर से रहा है। फिलहाल वो बंदा ऊपर से मार रहा था, मैं यहाँ पानी में आके हील कर लेता हूँ और उस बंदे को देखने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो बंदा वहाँ से पीक लेके दूसरी तरफ आ चुका था। अभी यहाँ मैं घास में नकली फायर करता हूँ लेकिन वो बंदा यहाँ था नहीं, वो दूसरी तरफ आ चुका था और जैसे ही वो मेरे को दिखता है, साले तू, अब जैसे ही मैं इस बंदे को फिनिश करके उसकी तरफ जाने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बहुत लूट करते हैं और उधर से बंदों की तरफ जाएंगे क्योंकि उधर बोट फायर हो रही थी। लेकिन तभी अचानक अरे भाई, यहाँ जिस तरीके से मैं 1 HP नहीं मतलब 1 HP से भी हाफ बचा हुआ हूँ, यहाँ मेरी धड़कनें इतनी फास्ट हो चुकी थी और आई बटन में मैं पीछे देख लेता हूँ कि एक बग्गी वाला बंदा आ चुका है वहाँ पे। लेकिन मेरे को पता था कि इस बंदे का किल फील्ड में कब से नाम आ रहा है तो ये मेरे को मारने की कोशिश ज़रूर करेगा इसलिए मैं यहाँ थोड़ी व्हील व्हील करके कवर में आ जाता हूँ। अब आप कहते हो कि तू कॉम्पिक क्यों लगाता है, तो मैं कॉम्पिक इसीलिए लगाता हूँ क्योंकि सब बंदे कॉम्पिक लगाते हैं और कॉम्पिक यूजर से बचना नामुमकिन है इसलिए कॉम्पिक लगाना जरूरी है, इसलिए मैं कॉम्पिक लगाता हूँ। तो आप भी कॉम्पिक लगा लिया करो। क्या क्या बोला तूने? तो आप भी कॉम्पिक लगा लिया करो। एक पहले क्या बोला? सब बंदे कॉम्पिक लगाते हैं। चल चल चलो जाके इलाज करो। ये नाग देवता दिख जाते हैं। अब इस नाग देवता को मैं चाहता तो आराम से मार रहा था लेकिन मैं सोच रहा था कि ये जैसे ही इस पे नेट करूंगा ये भागने की कोशिश करेगा यार। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। लेकिन ये तो हिलने की कोशिश भी नहीं करता है। चे! मर गए नाग देवता। अब वहाँ ये बंदा सामने वाले बंदे को देख रहा था, शायद वहाँ पे कोई बंदा है क्योंकि वहाँ गाड़ी लगी हुई थी और जली भी हुई थी तो वहाँ फाइट आराम से हुई थी इसलिए मैं वहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ लेकिन तभी मेरे को एक बोर्ड दिखता है। था थी है, हो, ही, हु,
जैसे ही मैं इस बोर्ड को मारता हूँ तो मेरे को तभी एक बंदा अंदर से हील करता हुआ दिख जाता है। जैसे मैं इस लास्ट बंदे को फिनिश करता हूँ तभी मेरे सिचुएशन बहुत हार्ड हो जाती है, क्योंकि लास्ट में एक बंदा बचा था और मैं यहाँ से 10 बार चक्कर लगा चुका था पूरे जोन में, लेकिन यहाँ पे वो बंदा नहीं दिख रहा था मेरे को। अब पता नहीं वो कहाँ पे नाग बन के लेटा हुआ था। अब देखो पबजी लाइट खेल रहे हो तो तुम्हें नाग तो दिखना कन्फर्म है ही है, इतने नाग मिल जाएंगे आपको कि आपने पूरी मैच में नहीं देखे होंगे। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है।